हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप उस रीडिंग को तो जान सकेंगे। ओके, जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उस टाइम पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज क्या होंगे आपके लिए। ओके, चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि रीडिंग्स आपको टाइम पर मिल सके। ओके, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दें। जिस पर्सन की आपको एनर्जी जाननी है उस पर्सन पर फोकस तो करना ही है, साथ में आपको पॉजिटिव होकर रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना है। ओके, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ये गिरा है गाइस। तो मतलब कि यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ की वर्ल्ड, ठीक है, चलिए। ओके, चलो, ये जो भी कार्ड्स गिरे हैं वो सब लेंगे। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं। मानने से मतलब भी ये है कि दूसरों के सामने बुराई ना करके एक दूसरे की अच्छाई ही करते हैं। वाह, चलो ठीक है, देख लेते हैं, शुरू करते हैं जल्दी से आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो यहाँ पर मुझे आपका और आपके पार्टनर का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर टू टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइस, टू टू, एंड यहाँ पर भी डबल टू है, 24 और 29 है, ठीक है। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, लेकिन ये पर्सन आपसे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ओके, दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर यह है कि ये पर्सन ना आपका वेट कर रहा है कहीं ना कहीं सिचुएशन के ठीक होने का, कि ये जैसे ही चीज़ों को जो इसने ख़राब किया है और जिस रीज़न से ख़राब किया है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी है, या कोई करियर है, या फाइनेंस है, जिस भी रीज़न से इस पर्सन ने ख़राब किया है, वो सब चीज़ों को ठीक करके ही आपके पास आएगा। अचानक से आपको अनब्लॉक कर देगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सारी चीज़ों को एडजस्ट करके आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। क्या क्या चीज़ें छोड़ सक, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है आपको नहीं करने पड़ेंगे, आपको भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ऐसी चीज़ों में उलझा हुआ है ना कि इसको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जो भी चीज़ें इसने जिस भी रीज़न से रिश्ते को ख़राब किया है, इसने क्या किया, अपने आप को बांट दिया सब तरफ बहुत सारे ऑप्शंस में, ठीक है। तो अब क्या है, वो सब चीज़ों से निकल कर इस पर्सन को आपके पास आने, कहते हैं ना जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान के पास, तो जो मेन उसकी जो जिसकी वैल्यू समझनी चाहिए उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझता इंसान, और हमेशा अपने आप को उल्टी और गलत चीज़ों में फंसा लेता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपने किसी ने तो अपने पार्टनर के लिए हीलिंग ज़रूर ली होगी, ठीक है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अगर आपने हीलिंग नहीं ली है तो यूनिवर्सल हीलिंग चल रही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में यूनिवर्स भी खुशियां लेकर आएगा। यहाँ पर देखिए, आप अचानक से आपको जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आपके आसपास कुछ या तो पॉजिटिव साउंड आने लगेंगे, ठीक है, अचानक से कुछ पॉजिटिव, या कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग चलने लगेगा, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ होगी। जब आप रीडिंग देख रहे होंगे आपके पास ग्रीन, येलो, स्काई ब्लू, ब्लू, रेड एंड ब्राउन कुछ हो सकता है, एंड वाइट। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएँ, मैंने कहा पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। यहाँ पे जिन लोगों को ऐसे लगता है उनके पार्टनर से उनका डिवोर्स हो जाएगा, उनके पार्टनर की एनर्जी है उनको डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल डिवोर्स नहीं होगा, बैलेंस आ जाएगा रिश्ते में। और जो सिंगल है उनके पार्टनर से उनके मुझे हैं कोर्ट मैरिज होते हुए दिख रही है। दुश्मन काफ़ी ज़्यादा हैं इस वक्त, इन्होंने आपके पार्टनर ने जो रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब की हैं उसको लेकर यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, किसी पे विश्वास ना करें, ना आप ना आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आते हैं आपके पास तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि अभी इस रिश्ते को अपन ठीक करते हैं, दूसरों को बाद में बताएंगे। कौन मतलब जो भी दुश्मन है ना, नज़दीकी है काफ़ी, या तो आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से जो एनर्जी वर्क भी कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर का थ्रॉट चक्रा ओपन हो रहा है, वो जो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं ना सारी, ये अब मैसेज से कॉल से नहीं बताएंगे, खुद आपके सामने आकर ये सारी चीज़ें बोलेंगे, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। बहुत जल्दी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आपको पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है।
इस पर्सन की एनर्जीज़ ये हैं आपके लिए कि भाई ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये लाइफ की जर्नी है आप दोनों की, आप समझ जाओ इतने सारे कार्ड इस तरीके के आए हैं कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम है चाहे वो सोलमेट है आपका, लेकिन वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। नंबर्स भी कुछ इसी तरीके के हैं, आपको 222 या 222 ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, या जिनका जोड़ 222 बनता होगा, 222 बनता होगा या 2 बनता होगा, वो नंबर्स आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। जब भी ऐसे नंबर्स आपको दिखते हैं आप यहाँ पर विश ज़रूर करें इस टाइम पर जब आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी फाइनेंस या करियर या रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, तो ये थी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।